पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं, वो चित्र है। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा राष्ट्रवाद, हमारा लक्ष्य है हमारा भारत। हमारे भारत को कोई सुई भी लगाएगा 140 करोड़ को दर्द होगा। भारत बिलोंग्स टू यू, यू आर द मोस्ट वाइटल स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। 10 साल में आपको ऐसा गवर्नेंस मिला है जो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है। उनमें परेशानी है, राजनीति इस तरीके से हावी हो गई उन पर कि राष्ट्र को भूल गए, राष्ट्रहित को भूल गए। भूलना तो छोड़िए, राष्ट्रहित पर कुठाराघात करने लग गए, विदेश में करने लग गए, उन लोगों से मिलकर करने लग गए। आइडियोलॉजीज अलग अलग होंगी, विचारधारा अलग अलग होगी, शासन के प्रति रवैया अलग अलग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात में समानता होगी, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र भावना को कुंठित नहीं कर सकते, राष्ट्र के मनोबल को कमजोर नहीं कर सकते। राष्ट्र को चुनौती आएगी, हम सब एक हैं, हमारा कुछ भी रंग हो, कुछ भी धर्म हो, कुछ भी जाति हो, कुछ भी संस्कृति हो, कुछ भी शिक्षा हो, वी आर यूनाइटेड एंड वी आर वन। गीता आपको अच्छा लगेगा, हमारे भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं, वो चित्र है। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है एकाग्रता से, बिना भटके हुए, बिना रिश्तों को देखे हुए लक्ष्य प्राप्ति करो। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा राष्ट्रवाद, हमारा लक्ष्य है हमारा भारत। हमारे भारत को कोई सुई भी लगाएगा 140 करोड़ को दर्द होगा। इतिहास ने उनको कभी माफ नहीं किया है जिन्होंने देश के साथ ऐसा आचरण किया है। नवयुवक और नवयुवतियों से मैं आग्रह करता हूं, भारत बिलोंग्स टू यू, यू आर द मोस्ट वाइटल स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। 10 साल में आपको ऐसा गवर्नेंस मिला है जो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है। आपको ऐसा गवर्नेंस मिला है जहां कानून के सामने सब समान है। प्रिविलेज्ड पेडिग्री हैज वनिस्ट। कोई आज के दिन ये नहीं कह सकता कि मैं कानून से ऊपर हूं। उनमें छटपटाहट है, उनमें परेशानी है, राजनीति इस तरीके से हावी हो गई उन पर कि राष्ट्र को भूल गए, राष्ट्रहित को भूल गए। और भूलना तो छोड़िए, राष्ट्रहित पर कुठाराघात करने लग गए, विदेश में करने लग गए, उन लोगों से मिलकर करने लग गए। जग जाहिर है उनकी करतूतियां, उनके साथ बैठना, उनके साथ चिंतन करना, हमारे दिल पर क्या गुजरी होगी मैं अंदाजा लगा सकता हूं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मेरे पद पर मेरा काम राजनीति करना नहीं है, राजनीतिक दल अपना अपना काम करें। पॉलिटिकल पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू वर्क द वर्क दे विश टू डू। आइडियोलॉजीज अलग अलग होंगी, विचारधारा अलग अलग होगी, शासन के प्रति रवैया अलग अलग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात में समानता होगी, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र भावना को कुंठित नहीं कर सकते, राष्ट्र के मनोबल को कमजोर नहीं कर सकते। राष्ट्र को चुनौती आएगी, हम सब एक हैं, हमारा कुछ भी रंग हो, कुछ भी धर्म हो, कुछ भी जाति हो, कुछ भी संस्कृति हो, कुछ भी शिक्षा हो,
वी आर यूनाइटेड एंड वी आर वन।